सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस डीडी फ्री डिश को रिपेयर करेंगे, जो कि इसमें लाइट नहीं आ रहा है, लाइट प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं, इसमें मैं पावर का प्लग लगा देता हूँ। तो इसको मैं पहले खोल लूँ, देख सकते हैं कि मैं खोल लिया। अब इसका वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे हम, देख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा और स्टेप बाय स्टेप कुछ रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और इसमें कई चीज़ें चेंज करनी है और क्या क्या करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में A to Z बताऊंगा। इसकी अगर स्किप कर दिए वीडियो को, तो आप एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट को भूल जाएंगे कैसे रिपेयर करना है। तो देख सकते हैं 15 वोल्ट ठीक आ रहा है। हम सारे वोल्टेज को चेक करेंगे, तो देख सकते हैं ये हमारा वोल्टेज कम आ रहा है, जो 3.3 वोल्ट होता है ये कम आ रहा है, देख सकते हैं। तो अब इसको हम चेक करते हैं। इसका कैपेसिटर भी देख सकते हैं फूला हुआ है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट देख सकते हैं, नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। इसमें कई पॉइंट है जो चेक करना है आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तभी ये अच्छी तरीके से वर्क होगा और आप भी अपने डिस्क को इसमें रिपेयर कुछ कर प्रॉब्लम सकते हो रहा हैं। है तो देख पहले सकते तो हम हैं। इसके कैपेसिटर को चेंज करेंगे, ये देख सकते हैं इसका कैपेसिटर है, इसको हम चेंज करेंगे, जो कि ये है अपना 47 UF 450 वोल्ट का होता है। तो इसको हम प्लेट को खोल लेते हैं। प्लेट को खोलने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं इस पिन को निकाल लेंगे हम। तो वीडियो में बने रहे एंड तक, आपको A to Z इसको कैसे रिपेयर करना है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, देख सकते हैं। ये इसका पॉइंट है, मैं एक दूसरे बोर्ड में से इसका कैपेसिटर ले लेता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास पुरानी सप्लाई पड़ी हुई है सेम टू सेम। तो ये इसका कैपेसिटर मैं निकाल लूँगा, यहाँ पे लगेगा देख सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ अपने आयरन सोल्डर की मदद से, तो देख सकते हैं ये मैंने निकाल लिया है। तो आप भी एक ऐसा कैपेसिटर अगर लेना चाहते हैं, तो आप किसी पुराने से ऐसे बोर्ड हो तो उसमें से निकाल ले, या तो मार्केट में परचेज कर सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लूँ आयरन सोल्डर की मदद से, देख सकते हैं। तो इसको कैसे लगाना है, इसमें वीडियो में सारा कुछ बताया हूँ। तो वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा कैसे उल्टा है कैसे सीधा है, देख सकते हैं ये फूल गया है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, देख सकते हैं साफ करके थोड़ा सा, फिर हम लगाएंगे इसको। और क्या उल्टा क्या सीधा है इसमें देख के लगाना है, ये देख सकते हैं ये माइनस का, ये यहाँ पर निशान दिया रहता है और ये माइनस का निशान है। तो हम इसको माइनस की तरफ माइनस लगा देंगे। अगर उल्टा लगाएंगे तो ये गाइस ये इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये ब्लास्ट भी होता है। तो उल्टा इसको देख के लगाना है, उल्टा सीधा आपको अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। मैं इसको अब सोल्ड करूंगा अपने आयरन की मदद से। तो आगे भी अभी बहुत सारे स्टेप लेने हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और आपके डीडी फ्री डिश में वीक सिग्नल भी नहीं आएगा, और जो इसमें पावर सप्लाई की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हम इस वीडियो में करेंगे, देख सकते हैं। इसको मैं अभी आयरन सोल्डर की मदद से इसको सोल्ड कर लेता हूँ, तो फिर अच्छी तरीके से इसमें देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मेरा गिर गया ये कैपेसिटर। तो इसको मैं फिर से लगा लेता हूँ, तो पीछे से भी इसको पकड़ना पड़ेगा गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करेंगे। तो अभी आगे हमें बहुत सारे स्टेप लेने हैं, तो अच्छी तरीके से इसको एंड तक देखिए, आपको पूरा पता लग जाएगा किस तरीके से हमें रिपेयर करना है अपने डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स को, देख सकते हैं। कई भाई होते हैं कि स्किप कर करके देखते हैं, वैसे देखेंगे तो एक भी आपको पता नहीं लगेगा कि डीडी फ्री डिस्क को कैसे रिपेयर करना है। अभी मैं इसको कैपेसिटर चेंज करके चलाऊंगा, चल तो जाएगा लेकिन इसमें आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज कम आ रहा है। तो अब वोल्टेज कम आ रहा है 3.3 वोल्ट के लिए, अभी हमें आगे स्टेप लेना है क्या चेंज करना है। तो वीडियो में बने रहे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या चेंज करना है। तो ये मैं पावर प्लग लगा देता हूँ, इसका पावर प्लग लगा के देख सकते हैं लाइट तो आ गया, लेकिन अभी आगे हमें और भी चेक करना है इसके वोल्टेज वगैरह को।
जो देख सकते हैं, मैं अभी इसको वोल्टेज चेक करूंगा। तो इसका मैं एक ग्राउंड लगा लेता हूं, एक पिन पे ब्लैक वाले तार को ग्राउंड लगा लेता हूं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे 2.9 वोल्ट आ रहा है, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट यही आ रहा है, देख सकते हैं। हमारा प्रॉपर ये वर्क नहीं कर रहा है, ये हमारा ये देख सकते हैं 5 वोल्ट भी पूरा नहीं आ रहा है। ये हमारा 24 वोल्ट के लिए 22 वोल्ट आ रहा है, ये ठीक है फिर भी चल जाएगा। ये 15 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट देख सकते हैं, 3.3 वोल्ट हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो अभी इसमें फॉल्ट है, तो इसको हम सही करेंगे। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, सारा कुछ पता लग जाएगा किस तरीके से इसको सही करना है। अब इसमें ये वाली डायोड चेंज करनी है, देख सकते हैं ये वाली डायोड यहाँ पे मैंने लगा दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी इसको सोल्ड कर लेता हूँ, तार को सोल्ड करके हम इसको जंपर मारेंगे। कहाँ जंपर मारना है स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, सारा कुछ पता लग जाएगा। जंपर कहाँ लगाना है आपको और किस जगह लगाना है और किस तरीके से लगाना है, मैं सारा कुछ वीडियो में बताया हूँ, देख सकते हैं। तो ये जंपर लगाना हमें यहाँ पे, इसके पहले वाले पिन पे, यहाँ पे आपको डीडी फ्री डिश में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का पिन, तो वहाँ पे पहले पिन पे आपको लगा देना जंपर, देख सकते हैं इस तरीके से एक जंपर लगा देना है। फिर से मैं चला के इसका चेक करूँगा, इसका वोल्टेज कितना आ रहा है और इसका ये डायोड है, आप जब चेंज करेंगे तो ये देख सकते हैं, इस पर नंबर लिखा रहता है कुछ, उसको देख के इसी नंबर का इस पर लगा दें ताकि हमारा वोल्टेज वगैरह सही आने लग जाए, देख सकते हैं। तो ये मेरा चल तो गया लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, तो इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे, देख सकते हैं चल गया, ये डन तो हो गया लेकिन अभी ये हमारा थोड़ा सा वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे, हमारा वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं ये मेरा मीटर है और यहाँ पे मैं अर्थ लगा लेता हूँ, देख सकते हैं वोल्टेज 3.1 आ रहा है, अभी देखिए कम हो गया, देख सकते हैं ये वोल्ट हमारा 3.5 वोल्ट आ गया, लेकिन जब ये चलता है तो ये कम हो जाता है। तो हमें ये एक पिन और लगाना है, जैसे कि देख सकते हैं ये मैंने ये ग्राउंड लगाया है, इस तरीके का एक ग्राउंड लगा लेना आपको यहाँ पे लास्ट वाले पिन पे, देख सकते हैं। तो हमारा ये वोल्टेज 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट आ जाएगा, तो आपको ये हमारा फुल्ली अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुका है और ये हमारा कभी भी दिक्कत नहीं आएगा और इसमें वीक सिग्नल भी नहीं आएगा, देख सकते हैं इसी तरीके से आपको रिपेयर कर लेना।